बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये टू कलर में क्रोशे फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी फ्लावर है, बहुत ही इजी पैटर्न है इसका। अगर आप लोगों को ये फ्लैट फ्लावर पसंद आया हो तो आप लोग इसको बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं दो कलर के यार्न बाल यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए हमें यार्न नीडल की ज़रूरत है, सीज़र की ज़रूरत है और मैं 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से बनाऊंगी इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिंगर्स के ऊपर यार्न को रैप करते हुए क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बना लेंगे। और स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है। 6 बेस चेन बनानी है हमने, और 6 बेस चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 बेस चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 3। हमारा चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4। और इसी तरीके से हमने डबल क्रोशे बनाते हुए 20 डबल क्रोशे बनाने हैं। चेन 3 को इंक्लूड करते हुए 19 डबल क्रोशे एंड चेन 3 कुल मिला के 20 हो जाएंगे। तो ये मैंने 20 डबल क्रोशे बना लिए हैं चेन 3 को इंक्लूड करते हुए। अब मैं चेन 3 के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊंगी अपने फर्स्ट राउंड को फिनिश करने के लिए। इसके बाद हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे, अगेन चेन 3। हमारा चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे स्टिच है इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो टोटल हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है उसके अंदर अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगेन चेन 2 बना लेनी है। और चेन 2 बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाना है, उसे नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशे बनाना है। तो हमारा सिंपली 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशे का पैटर्न बनेगा। तो हम लोग इसी तरीके से 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशे बनाते हुए तमाम स्टिचेस के अंदर अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने तमाम स्टिचेस के अंदर 2 डबल क्रोशे 2 चेन्स बना लिए हैं। मैं लास्ट चेन 2 बना के चेन 3 के अंदर स्लिप स्टिच करके अपने सेकंड राउंड को कंप्लीट करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हम उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 2 स्पेस में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और अगेन चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद इसी चेन 2 स्पेस में हमने डबल क्रोशे बनाना है, चेन 2 बनानी है और चेन 2 बनाने के बाद अगेन 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। तो हमारा ये 2 डबल क्रोशे 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे का शेल बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। उससे नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में भी डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, 2 चेन्स एंड डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। तो इसी तरीके से हम अपनी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए 2 डबल क्रोशे 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशे बनाते हुए सर्कल के ऊपर अपने थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने अपने थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने फोर्थ एंड लास्ट राउंड को बनाऊंगी। उसके लिए मैं थर्ड राउंड को स्लिप स्टिच से फिनिश करूंगी। उससे नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशे है उसके अंदर भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाने के लिए हम दूसरे कलर के यार्न को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट राउंड है फोर्थ राउंड शेल वाला, वो हमने दूसरे कलर के यार्न से बनाना है। तो उसके लिए हम दूसरे कलर के यहाँ से स्लिप नॉट बनाएंगे। और स्लिप नॉट बनाने के बाद इस स्लिप नॉट को
पहले वाली लूप के अंदर से क्रोशे हुक को गुजारते हुए स्लिप नॉट के लूप के अंदर से हमने क्रोशे हुक को गुजारना है और इसको इस तरीके से ऊपर लेके आना है। फ्लावर के डाउन साइड से अप साइड पर लेके आके हम इसको स्लिप स्टिच से ऊपर ले आएंगे और इसको ऊपर ला के हमने अपने शेल वाले राउंड को स्टार्ट करना है। चेन थ्री, वन टू एंड थ्री, हमारा चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हम मज़ीद सिक्स डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, डबल क्रोशे थ्री, डबल क्रोशे फोर, डबल क्रोशे फाइव एंड डबल क्रोशे सिक्स। तो हमारे चेन थ्री को इंक्लूड करते हुए टोटल सेवन डबल क्रोशे बन गए हैं। तो इस तरीके से हमें सेवन डबल क्रोशेज बनाते हुए अपने शेल्स बनाने हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टू टू डबल क्रोशे की स्पेस है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके अपने शेल को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चेन टू स्पेस है इसके अंदर अगेन शेल बनाएंगे सेवन डबल क्रोशे से। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, डबल क्रोशे थ्री, डबल क्रोशे फोर, डबल क्रोशे फाइव, डबल क्रोशे सिक्स एंड डबल क्रोशे सेवन। और सेवन डबल क्रोशे बनाने के बाद अगेन टू डबल क्रोशे स्पेस के दरमियान में हमने स्लिप स्टिच बनानी है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड शेल रेडी हो जाएगा। इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए हम तमाम शेल्स कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने तमाम शेल्स बना लिए हैं। इन शेल्स को बनाने के बाद हम अपने इस राउंड को फिनिश करेंगे जिसके लिए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन थ्री के अंदर से भी गुजार लेंगे ताकि ये पेटल जो है वो कनेक्ट हो जाए साथ में। सॉरी, इस तरीके से ये पेटल बैक साइड पे चली जाएगी। हम पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे टू डबल क्रोशे के दरमियान में और चेन थ्री जो है इसके अंदर एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे ताकि ये पेटल जो है वो कनेक्ट हो जाए लास्ट पेटल के साथ। तो इस तरीके से हमने इस पेटल को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को पुल ओवर करते हुए कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये जो हमारे बैक साइड के यार्न थे जहाँ पे हमने यार्न कलर चेंज किया था, इन दोनों यार्न को भी हम कट कर लेंगे और यार्न नीडल की मदद से इस यार्न टेल को बैक साइड पे स्टिच करेंगे ताकि हमारा वर्क जो है वो सिक्योर रहे और यार्न टेल जो है वो नज़र ना आए। इसके लिए हम बैक साइड की स्टिच के अंदर से गुजारेंगे यार्न नीडल को और नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद हमने बैक साइड पे कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारना है। आप लोग इन शेल स्टिचेस के अंदर से भी गुजार सकते हैं इस तरीके से और गुजारने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा टू कलर फ्लैट क्रोशे फ्लावर रेडी हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो शेल वाली पेटल्स हैं ये कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग इन इस फ्लावर को डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।